कम से कम 80% रेप रोज होते हैं। क्यों होते हैं? कि वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, पकड़ लिया तो रेप हो गया। प्रेम प्रसंग 80% चल रहे हैं। ये लड़की है मेरी, ठीको चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, है तो मेरी है, मान नहीं सकता इसे मैं किसी भी कीमत पे। तीन वीडियो जो है माँ की लड़की की, उससे तो साफ जाहिर है कि रेप हुआ ही नहीं है। पुलिस ने फिर जला क्यों दिया इसे? जला क्यों दिया? बिना उनके हंगामा नहीं हो इसलिए जलाया था उसको, कि ये जो रखे रखे और हम हंगामा करें, बॉडी रखी रहेगी फिर बांस मार निकलेगी। भाई जो दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं तो वो इंसान ऐसा ही करते हैं। मेरा गांव पूरा पंडितों का है, मैं खुल के बोलता हूँ, ये बात है कि हिंदू होने में कभी कभी मुझे पर्टिकुलरली शर्म आती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि क्यों है मैं ऐसा क्यों, मैं जात पात में पटा हुआ हूँ, मेरे को कोई लोग नीचा मानता है, अनटचेबल मानता है, कभी कभी मैंने फील किया है। हाथी जिले में हमने तीन गांवों में जाकर लोगों से बात की। यहां हमें दो अलग अलग बातें कहने वाले लोग मिले। दोनों बातें पूरी तरह से हमें ऑपोजिट डायरेक्शंस में ले जा रहे थे। मानो या ना मानो, एक तरफ की बात कहने वाले लोग थे सवर्ण और दूसरी तरफ के सारे हरिजन यानी कि वाल्मीकि। हेलो, वेलकम टू एबीपी अनकट। हाथरस में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, एक लड़की का रेप होता है, उसके बाद उसकी मौत। इन सब के चलते पूरे देश में इसको लेके आक्रोश है। कई जगह शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लोग पीड़ित परिवार के बारे में बात कर रहे हैं, मीडिया पीड़ित परिवार तक पहुंचने की कोशिश करती है, पुलिस उनको रोकती है, कई पॉलिटिशियंस अपनी सॉलिडारिटी जताने के लिए आने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनको भी रोकती है। हम हाथरस ज़िले में हैं और यहाँ पर ऐसे कई गाँव हैं जहाँ आज हम जाने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि क्या सच में गांव की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। इससे भी ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड विवाद है वो ये है कि वो महिला एक दलित थी, तो क्या सच में इन गांव में ग्राउंड लेवल पे लोग इस प्रथा को, इस सिस्टम को जीते हैं? आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। नहीं सर, रेप नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें भी नहीं आया है, जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। बिल्कुल हुआ है रेप, तो बिल्कुल झूठी बना रहे हैं इस बात को, रेप तो हुआ है। उसके साथ हुआ तो है, चाहे किसी ने भी किया हो, रेप तो होते हैं ना सर। तो ये भूल बड़ी रह गया है 11% में, और भी केस हुए, वहाँ क्यों नहीं जा रहा है मीडिया, वहाँ ये नेता क्यों नहीं जा रहे हैं, ये फर्जी केस को तो फंसा रहे हैं। जब पहली FIR लॉन्च की तो उसमें कुछ हुआ नहीं, फिर दोबारा ऐसे करके 4-5 दिन तो उसको आदमी को ऐसे ही हो गए बेचारे को। प्रेम प्रसंग होते हैं, जहाँ पकड़ जाते हैं वही रेप नाम रख दिया जाता है उसका। लड़की के घर वाले उसे पीट पाट के और उसके खिलाफ बयान दिलवा देते हैं। जो भी अपर कास्ट है वो हमेशा यही सोचती है कि मतलब जो पावर वाला होता है यही सोचता है कि मतलब ये कर क्या लेगा हमारा। तो हम लोग बहुत कम समुदाय के लोग हैं, तो भाई किसी की हम बॉडी जब लगाते हैं तो हम 10-4-5 गांव के लोग इकट्ठे होकर के दो दो आदमी पहुंच के तब उसकी मैयत को हम दफनाते हैं, लगाते हैं। उस पीड़िता के परिवार से कल कहा गया है कि आपका नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, आप CIV जांच होगी। नहीं नहीं, हम नहीं चाह रहे, हम सत्य बोल रहे हैं। हमारे समाज से है वो वाल्मीकि है, वो हम भी वाल्मीकि हैं, तो डायरेक्ट सवाल कर लेते हैं CBI। कभी बेचारे वो जानते भी नहीं CBI होती क्या है, कभी कभी वो जानते नहीं है, ठीक है, नार्को टैक्स क्या होता है वो जानते नहीं बेचारे, उनसे डायरेक्ट मीडिया वाले सवाल कर लेते हैं, वो घबरा जाते हैं, ये क्या है क्या, इतने लोग देख के घबरा गए वो। गांव में शहर से ज्यादा सुरक्षित हैं गांव में महिलाएं। देखो, 5 उंगली एक सी नहीं होती है, कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, ये नहीं कह रही हूँ नहीं होता है, 5 उंगली एक सी नहीं होती है, कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि बदतमीज बच्चे होते तो ऐसा कर भी लेते हैं, पर ऐसा अक्सर करके होता नहीं, मैं तो अपनी जान के कह रही हूँ। स्वतंत्र भी है, ये नहीं है उन पर कोई पाबंदी है, न महिलाओं पे, न बच्चियों पे, या किसी पे। देखो, हम तो कहीं जाते आते हैं, अपने घर से निकलते नहीं है, तो हमें तो कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं निकलते हम जाते ही ना, हमारे घर से कोई निकलता ही नहीं है। आप, हम तो बाजार हाट भी बहुत कम जाते आते हैं। अच्छा। क्योंकि अपने आप ही, हमारे पति ऐसे हैं कि अपने आप ही सब काम करते हैं, हमें घर से जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे गाँव है, यहाँ खेती का काम है, अब लड़कियाँ क्या खेती में काम करेंगी, ट्रैक्टर चलाएंगे लड़के ही चलाएंगे। कभी भी डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होता?
हमें लगता है कि हम ज्यादा डिमांड में हैं अभी हमारे घर, हमारी ज्यादा होती है क्योंकि गांव में कहीं अलाउ नहीं होता है नाइट में जाना कहीं भी बाहर। वैसे अपने यहाँ पे कहीं भी घूम लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ हाँ, पर हाथरस सिटी काफ़ी दूर पड़ जाती है, 10 किलोमीटर दूर पड़ जाती है यहाँ से, तो इसी वजह से जाने में घूमने पापा कैसे चले जाते हैं, कोई वो नहीं है। अकेले होते हैं तो हो जाता है कभी कभी, थोड़ी देर हो जाए आने में तो कभी कभी डर लगता है, पैसे नहीं लगता नॉर्मल। अगर हम ऐसे ही बैठा ना तो हमारी लड़कियाँ पढ़ पाएंगी ना कुछ कर पाएंगी। ये हमारा संस्कार है कि लड़कियों को शाम होते या कहीं बाहर अकेला भेजना हम अच्छा नहीं समझते। हमारे यहाँ पे सब भाई बहन सब की इज्जत करते हैं, सभी बच्चे, और जो लड़की अगर पढ़े कोई पहल लड़की करे उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे आप उधर कुर्सी बैठते हैं और मुझको जमीन में बैठा दिया तो मैं जमीन में बैठने को भी राजी हूँ। जाति एक पशुओं की होती है, इंसान की कोई जाति नहीं होती है। क्यों? कि ये भैंस है, बकरी है, हाथी है, घोड़ा है, उसकी जाति है, मगर आदमी की कोई, इंसान की कोई जाति नहीं होती है। कास्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कास्ट सिस्टम। ब्राह्मण लोग जो है ऐसे हैं, किसी इंसान पे कोई भी काम पड़े तो आधी रात तैयार खड़े रहते हैं उसके साथ। जैसे लोअर कास्ट के पीपल अगर यहाँ पर घर में आते हैं तो वहाँ पे घर में आने नहीं देते उन लोगों को, बाहर ही रहने देते हैं, मतलब ज़्यादातर उन मतलब बाहर से ही बाहर उनको जो भी काम होता है वहाँ से। जाति में तो हमको बांट दिया है सर, ये तो पूर्वजों ने बांटा है, भाई तुम खेती काम जानते हो तुम खेती कर लो, तुम घर का काम जानते हो तो आप घर का काम कर लो। तो जैसा कि आपने पूरे वीडियो में देखा कि हाथरस के ज़िले में लोग अलग अलग गाँव के लोग कई गुटों में बटे हुए हैं, तो इस सिस्टम के चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि हम राम राज्य से कोसों दूर हैं। रही बात महिला सुरक्षा की, तो आज भी गांव की महिलाएं 5-6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से कतराती हैं, जहां पे उसी घर के पुरुष लोग हमें ये बताते हैं कि ये उनका कल्चर है, उनकी संस्कृति है कि महिलाएं घर के बाहर 5-6 बजे के बाद नहीं निकलती हैं। तो ये कैसी संस्कृति है, कैसी मानसिकता है, ये एक सवाल है, ये एक सोच है। इसके बाद अगर मैं इस परिस्थिति की बात करूं, इस प्रॉब्लम की बात करूं, जस्टिस की बात करूं, तो जहां पे शहरों में बैठ के हमें लगता है कि कास्ट सिस्टम जो है, जातिवाद है, वो रिजर्वेशंस तक ही सीमित है, वहीं ग्राउंड लेवल पे गांव में अगर आप आते हैं तो गांव के बाहर के घर दलितों के हैं, गांव के अंदर के घर उच्च जाति के हैं। तो ये कैसा सिस्टम है, क्या जस्टिस सिर्फ इस परिवार को चाहिए या इस परिवार के पूरे समुदाय को चाहिए? आप देख रहे थे ABP अनकट। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ डाउनलोड ABP लाइव ऐप और जाइए ABP अनकट पे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।